जादुई फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है, शिवपुर गांव में शिवन्या अपनी माता आरती, पिता दिनेश के साथ रहती थी। दिनेश की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, उसी से उसके घर का किसी तरह से गुजारा चलता था। एक बार की बात है, कोरोना महामारी के चलते काम नहीं चलने से दिनेश का काम में बहुत ही नुकसान हुआ था। शिवन्या की माँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बिजनेस में इतना नुकसान हुआ है, ऊपर से 2 महीने से दुकान का किराया भी नहीं दे पाया हूँ, जिस वजह से सेठ रामलाल ने दुकान खाली करने को कहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत से काम ले जी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। दोनों ये बात कर ही रहे थे कि बाहर से शिवन्या आती है और बोलती है, माँ माँ, वो मेरी सहेली सिमरन ने नया पिंक फ्रॉक लिया है, माँ मुझे भी दिलवा दो ना। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं, मुझे भी नया फ्रॉक चाहिए, आपने इस साल मुझे कोई नए कपड़े नहीं दिलाए। बहुत जिद्दी हो गई हो, चल जाकर पढ़ाई कर, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सब समझती हूँ, आप लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी। सबके मम्मी पापा कितने अच्छे होते हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। ये उल्टे सीधे बातें तुझे कौन से खाता है, अभी कान के नीचे एक लगाऊंगी, जाकर पढ़ाई कर। क्यों डांट रही हो मेरी लाडली बेटी को, और कौन कहता है हम अपनी बेटी से प्यार नहीं करते। मैं अपनी बेटी को दुनिया का सबसे महंगा फ्रॉक दिलवाऊंगा। सच पापा, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू पापा। मैं अभी अपनी सारी सहेलियों को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर शिवन्या बाहर चली गई। क्यों लड़की को इतना सर पर चढ़ा रहे हो, आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी दिक्कत है, मुश्किल से घर का राशन आ रहा है, फ्रॉक के लिए फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है। तुम चिंता मत करो आरती, हमारी एक ही तो बेटी है, अब उसके सपने तो पूरे करने पड़ेंगे ना, और मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर दूंगा। मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अपने दोस्तों के साथ रहकर बहुत ही बिगड़ गई, इससे घर की जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे आरती, अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या है, खेलने कूदने दो उसे, अभी उसका बाप जिंदा है, मेरे होते हुए तुम दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन दिनेश अपनी दुकान पर जाता है, तभी वो अपनी दुकान से एक बहुत ही बढ़िया फ्रॉक अपनी बेटी के लिए पसंद कर अलग रखता है। वाओ, यह फ्रॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे देखते ही शिवन्या बहुत खुश हो जाएगी। दिनेश अपनी बेटी शिवन्या से बहुत प्यार करता था, वो उसकी हर एक छोटी ख्वाहिश पूरी करता था। दिनेश शाम को दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी एक ट्रक ड्राइवर जो नशे में भूत था, दिनेश को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है और दिनेश की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये बात जब शिवन्या और उसकी माँ को पता लगता है तो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वहाँ जाकर शिवन्या अपने पिता के हाथ में नया फ्रॉक देख खूब रोती है। पापा उठिए ना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे अब किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, प्लीज आप उठ जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते, उठिए ना पापा। कुछ दिनों बाद शिवन्या के घर वकील के साथ कुछ लोग आते हैं और शिवन्या की माँ से कहते हैं, बहन जी आपके पति ने हमारी कंपनी से लोन लिया था, रकम तो वह चुका नहीं पाया, इस वजह से आपको यह घर खाली करना होगा, कल ही इस घर की नीलामी होगी, आप अपना जल्द से जल्द दूसरा घर ढूंढ लीजिए। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, ऐसी क्या गलती हो गई हम लोगों से जिसकी आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, ये घर हम दोनों ने कितने मेहनत से बनाया है और आज हमसे ये घर भी छिन रहा है। आरती शिवन्या को गले लगाकर खूब रोती है। शिवन्या रात में अपने पापा का फोटो देख खूब रोती है।
पापा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद हमारी क्या हालत हो गई है? एक टाइम था जब आप हमारे आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आने देते थे, और आज हमारा आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। कहाँ चले गए पापा आप? इतना बोलकर शिवन्या रोते रोते सो जाती है। तभी सपने में उसके पापा आते हैं और शिवन्या से कहते हैं, शिवन्या मेरी बेटी, मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं हुआ हूँ। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही हूँ, और उस दिन जो फ्रॉक मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, उस फ्रॉक में तुम लोगों के लिए बहुत कुछ है। आपसे तुम लोगों के बुरे दिन खत्म। आप रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन शिवन्या उस फ्रॉक को पहनती है। तभी उसके सामने जादुई फ्रॉक का एक आलीशान घर बन जाता है। शिवन्या अपनी माँ के साथ उस घर के अंदर जाती है। तब वो देखती है कि घर कीमती फर्नीचर और जरूरतों के सामान से भरा हुआ था। माँ ये देखो, ये सब इस जादुई फ्रॉक और पापा के प्यार की वजह से हुआ है। अब से हम इसी जादुई फ्रॉक के घर में रहेंगे। और देखो यहाँ कितनी सारी चीजें हैं। अलमारियाँ देखो, रंग बिरंगे कपड़ों से भरी हुई है। और यहाँ देखो कितने सारे पैसे रखे हैं। हाँ शिवन्या, काश तेरे पापा भी यहाँ होते। तभी एक आवाज आती है, अरे पगली, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही हूँ इस जादुई फ्रॉक के घर में। अब तुम सबको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी इस जादुई फ्रॉक के घर में, और तुम दोनों हमेशा खुश रहना। फिर दोनों माँ बेटी उसे जादुई फ्रॉक के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।